हेलो दोस्तों, क्या हाल है रॉकेट बॉयज। तो मैं श्योर हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी होगी, और जैसा मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी कंटेंट की वैल्यू उसके व्यूज़ या अदर किसी रेटिंग से डिसाइड करना मुश्किल है, तो ये बात इस सीरीज़ के लिए भी एकदम फिट बैठती है, जो फिलहाल शायद एक रिसेंट रिलीज बट अंडर रेटेड सीरीज बन सकती है। कहानी कुछ महान साइंटिस्ट की है जिन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया, जिसे देख के आप सीट से खड़े होकर तालियां बजाने में मजबूर जरूर हो जाएंगे। तो बिना और देरी किए आवे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कम शब्दों में इस सीरीज का प्लॉट बता देता हूँ। तो कहानी भारत के आजादी के पहले से शुरू की गई है, और इसके दो प्राइमरी फोकस हैं, होमी जे भाभा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के वापस आए विक्रम साराभाई। असल में ये दोनों भारत के दो महान साइंटिस्ट हैं। जहाँ होमी भाभा जी ने इंडिया के फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर को सेटअप किया था, तो दूसरी तरफ विक्रम साराभाई ने फर्स्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहानी लगभग 6 घंटे की है, और सबसे अच्छी बात है इस सीरीज की मुझे लगी वो थी इस सीरीज का डायरेक्शन, पिक्चराइजेशन और कास्टिंग डिसीजन। क्योंकि ये सीरीज आप जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इस सीरीज का एक एक किरदार कितनी परफेक्शन मांग रहा था, जो सही कास्टिंग से सक्सेसफुल रहा। और इन सबके बाद स्टोरी राइटिंग भी बहुत जबरदस्त था। कुछ लोग इस सीरीज को देख के बोर भी हो जाएंगे, जिसका रीजन है कहानी को बहुत ज्यादा तेल घी मसाला डाल के गॉसिप वाला नहीं बनाया गया, और ना ही यहाँ कोई थ्रिलर वगैरह है। कहानी रियल सुपर हीरोज की है, ना कि फिक्शनल सुपर हीरोज की। इसलिए कहानी को लिखना और इसका डायरेक्शन शायद सबसे बड़ा चैलेंज रहा होगा, जो काफी सफाई से टीम ने पूरा कर दिया। सीरीज की मेन स्टोरी 1940 के टाइम से शुरू की गई है, और धीरे धीरे आजादी के बाद से भारत के फर्स्ट रॉकेट लॉन्च तक हमें लेके आती है। और ठीक से देखने पे ये जर्नी आप काफी गर्व के साथ महसूस कर सकेंगे। सीरीज में सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और फर्स्ट मिसाइल ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उस टाइम के कुछ रियल फुटेज और साथ साथ कुछ घूसबंप मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे होमी भाभा और साराभाई का ब्रिटिश फ्लैग को हटा के भारत का झंडा लहराना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फर्स्ट टाइम एंट्री करना। हम साहब के बेटे हो ना, क्या नाम है तुम्हारा? अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। 15 अगस्त 1947 के आजाद भारत में पहली बार भारत का झंडा लहराना और भारत का पहला रॉकेट लॉन्च देखना, इस मोमेंट को देख के ऐसा लगेगा जैसे शायद हम लोग उसी समय में हों। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये एज अ मूवी थिएटर्स में हमें देखने को मिली होती तो एंड मोमेंट में सबका खड़े होकर तालियां बजाना एकदम डन था। मुझे ये सीरीज एज अ बायोपिक बहुत पसंद आई, बट अगर आपको बायोपिक नहीं पसंद है या फिक्शनल ड्रामा ज्यादा पसंद हो तो शायद ये सीरीज आपको देखने में अच्छी ना लगे, क्योंकि इसमें फालतू के सॉन्ग्स ड्रामा और मसाला देखने को नहीं मिलेगा। कहानी का मेन फोकस इन दो कैरेक्टर्स के स्ट्रगल, इनकी सोच और इनकी लाइफ के बारे में। हालांकि एक चीज थोड़ी अजीब थी कि कहीं कहीं स्टोरी अपने ट्रैक से थोड़ी अलग भागने लगी, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहा। बाकी और इस सीरीज के बारे में ज्यादा कहने की नीड नहीं है, क्योंकि एक रियल बायोपिक और एक मस्ट वॉच कॉन्टेंट है। आई विल सजेस्ट यू कि तुम लोग ये प्राउड से भरपूर सीरीज जरूर देखना, और अगर मम्मी पापा को दिखाया तो वो तुम्हें अपने टाइम की बातें बताना जरूर शुरू कर देंगे, तो यार तुम रेडी रहना। बाकी अगर तुम ये सीरीज देख चुके हो तो अपना ओपिनियन या कोई पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया हो तो तुम उसे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, और मैं ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के रिव्यूज और फैक्ट्स लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंटोज को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।